हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बेबी क्रीम अपने घर पे बना सकते हैं। बिकॉज फाउंडेशंस काफ़ी हैवी होते हैं, सो हम कैजुअल उसे रोज़ नहीं लगा सकते, तो हम बेबी क्रीम तो लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि रोज़ रोज़ फाउंडेशन यूज़ करने से हमारी स्किन रफ़ हो जाती है और बेबी क्रीम लाइट वेट होती है और इससे हमारी स्किन बहुत ही अच्छी ग्लोइंग करती है। इसमें मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन क्रीम है और एसेंशियल ऑयल है जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो आप ये मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय चैनल गोरे ब्लॉग्स। तो बेबी क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए एक कंटेनर जिसमें हम बेबी क्रीम डाल सकें। इसे बनाने के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि हमने ये लॉरियल पेरिस की हाइड्रा फ्रेश क्रीम ली है, मॉइस्चराइज़र है जो, और सेकंड हमने लिया है लॉरियल इन्फेलिएबल का फाउंडेशन, ये स्किन से 2 शेड डार्कर होना चाहिए, और हमने ली है BLCC की सनस्क्रीन क्रीम। नेक्स्ट हमने लिया है लैक्मी एब्सोल्यूट का फेस सीरम और देन हमने लिया है लूज पाउडर। ये सब आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मॉइस्चराइज़र भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपको पसंद है फाउंडेशन वो भी आप खुद से ले सकते हैं कि आपको कौन सा फाउंडेशन बेस्ट लगता है। गाइस, सबसे पहले हमने मॉइस्चराइज़र ले लेना है, इसको कंटेनर में डाल लेना है। नेक्स्ट हमने इसमें फाउंडेशन डाल लेना है। ओके, उसके बाद हमने इसमें सनस्क्रीन क्रीम डाल लेनी है। नेक्स्ट हमने डाल लेना है फेस सीरम, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे लूज पाउडर। ओके, सो देन हम इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी बीबी क्रीम रेडी हो गई है। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग प्राइमर भी डाल सकते हैं। सो अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी गाइस। गाइस, आप देख सकते हैं, ये कितना ग्लो कर रहा है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये और ये, इनका डिफरेंस कितना ग्लो कर रहा है ये। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा फाउंडेशन चाहते हैं कि आपने लगाया हो और पता भी ना लगे और स्किन भी ग्लोइंग हो, तो आप ये बीबी क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्रीम कैसी लगी। तो जाने से पहले आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताजो मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू गाइस, बाय।